सफ़ेद बालों को नेचुरली काला करना चाहते हैं तो फिर बीट रूट को आपको अच्छी तरह से बॉईल कर लेना है और इसका जो अर्क वाटर में आ जाए तब आपको इसे निकाल लेना है। और बीट रूट को आप खाने में ज़रूर इस्तेमाल करिए और पूरा प्रोसीजर स्टार्ट कर लेते हैं, ज़रूर देखिए वीडियो को। जैसे आपका ये रेड वाटर प्रिपेयर हो जाता है उसके बाद आपको मैं सिर्फ और सिर्फ एक और दो इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड करना बताऊंगी जिससे कि आप अपने बालों को नेचुरल ब्लैक कर सकते हैं। बालों की किसी भी समस्या का मीन्स अगर आपको समाधान चाहिए तो मैं आज आप लोगों को यही बताऊंगी। फ्रेंड्स, आप यहाँ पर जो लौंग होते हैं, इस तरह से जो लौंग के दाने होते हैं, बस उसको आपको लेना होता है, 4 से 5 आप लौंग ले लीजिए और इसी से अपने बालों को वॉश करना स्टार्ट कर दीजिए। और ये बहुत ही पावरफुल रेमेडी है, बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रेमेडी है जिसकी वजह से जो आपके सफ़ेद बाल हैं वो भी आपके काले होते हैं और काले ही बने रहते हैं, काले बाल आपके। तो अगर बालों को सफ़ेद होने से बचना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर बीट रूट के वाटर में, जैसे आपने प्रिपेयर कर लिया, अब ये ठंडा हो चुका है, मैंने थोड़ी देर रख दिया था, उसके बाद यहाँ पर आप लौंग का यूज़ ज़रूर करिएगा। इसे हम फिर से बॉईल कर लेंगे अच्छी तरह से ताकि जो लौंग है इसका जो अर्क है, जो इसेंस है, इस वाटर में आ जाए। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी कैसे आप एक बहुत ही नेचुरल सा हेयर डाई पैक बना करके अपने बालों पे इसका यूज़ कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स देखिए, काफ़ी अच्छी तरह से ये वाटर इसमें बॉईल हो चुका है तो हमें अच्छी तरह से ये वाटर मिल चुका है। ठीक है, थोड़ा सा वाटर आप सेपरेटली बचा करके रख सकते हैं, ये देखिए, और ये इस तरह से बॉईल हो चुका है तो मैं यहाँ पर इसे निकाल रही हूँ। ठीक है, और बॉईल होने के बाद जब ये गर्म रह जाएँ तो इसके अंदर आपको कुछ ऐसी इंग्रेडिएंट्स, ऐसी जड़ी बूटियों को मिक्स करना है जिसका आपको बहुत ही अच्छा सा रिजल्ट मिले। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है और इसका कलर भी आप देख सकते हो। बालों को नेचुरली ब्लैक करना चाहते हैं तो फिर आप इसमें इस तरह से इस वाटर को सबसे पहले आपको प्रिपेयर करना है। जस्ट आपको यहाँ पर हेना पाउडर लेना है, वो भी बढ़िया क्वालिटी का हेना पाउडर लीजिएगा जिससे बालों को बहुत ही अच्छे से कलर मिले। तो यहाँ पर 1 चम्मच आप हेना पाउडर इसमें ऐड कर दीजिए और उसी के साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर आप आंवला, रीठा, शिकाकाई का अगर पाउडर लेते हो तो और भी अच्छा आपको रिजल्ट मिलता है। तो मैं यहाँ पे आंवला, रीठा और शिकाकाई, इनका कॉम्बिनेशन है मेरे पास ऑलरेडी, तो मैं इन देखिए तीनों का कॉम्बिनेशन है ये पाउडर इस तरह से, तो ये ग्रेइंग हेयर के लिए बहुत ही अच्छा होता है, हेल्पफुल होता है। तो यहाँ पर 1 चम्मच मैंने इनको भी डाला है। ठीक है, और हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट जो इन्ग्रीडियंट है वो मैं आप लोगों को बता दूँ, मैं ज़्यादा करके जटामानसी का यूज़ बहुत ज़्यादा करती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये मेरे बालों को यू नो काला भी कर रहा है और जो प्री मैच्योर ग्रेइंग है की प्रॉब्लम है फ्रेंड्स वो वहीं पर स्टॉप है, अदरवाइज मेरे बाल कब के का यू नो सफ़ेद हो चुके होते। इसके लिए आप ज़रूर ध्यान दीजिए कि जटामानसी आप लेकर ज़रूर आइए। तो जटामानसी का जो पाउडर है वो मैं यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ। जटामानसी दोस्तों ये होता है कि हमारे जो ये देखिए जटामानसी का पाउडर इस तरह से आपको ईजिली मार्केट में मिल जाती हैं और इसे चाहें तो फिर आप रॉ फॉर्म में भी लेकर के आ करके अपने बालों पे इसका एप्लीकेशन कर सकते हो। ये देखो, तो 1 चम्मच आप यहाँ पर जटामानसी भी आप ले लीजिए, इस तरह से ब्लैक फॉर्म में ही दिखता है ये, और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से आपको मिक्स कर लेना है, एक पैक बना करके रेडी कर लेना है। बालों को काला करना चाहते हैं तो फिर ज़रूर आप इन सारी चीज़ों का यूज़ करिएगा। आप मेहंदी अगर आपको कम लगे तो थोड़ी सी और मेहंदी इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी उसकी काफ़ी थिक होनी चाहिए, वैसे तो ये घुलने के बाद और भी ज़्यादा थिक हो जाती है। अच्छी तरह से आपको गर्म पानी में ही इस तरह से इसे मिक्स करना है जो कि बालों को ये नेचुरल कलर देता है और नेचुरली बूस्टअप करता है, नेचुरली आपके बालों को ये काला बनाती है। ठीक है, ये हमारी जो रेमेडी इस तरह से रेडी हो जाती है फ्रेंड्स। और इसे लगाने का जो सबसे सही तरीका है, जब ये पूरा अच्छे से ठंडा हो जाए, रूम टेम्परेचर पे आ जाए, तो आपको क्या करना है, इसे अपने बालों पे कम से कम 1 घंटे लगा करके छोड़ देना है। 1 घंटे के बाद अपने बालों को आप वॉश कर लीजिए, बालों में बहुत ही अच्छी शाइन भी आती है, चमक आती है, बालों को एक नेचुरल सा कलर भी आपको देखने के लिए मिलता है फ्रेंड्स। सो ज़रूर बताइएगा आपके बालों में कौन सा कलर आया है, मैं जानना चाहती हूँ। और मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, हैव अ ग्रेट डे एंड लव यू ऑल।